आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। बॉलीवुड अभिनेता है मनोज वाजपेयी, मैं पर्सनली बड़ा पसंद करती हूँ उनकी एक्टिंग को, उनके हुनर को, जो भी उनका किरदार होता है उसमें एकदम ऐसा रम जाते हैं, ये लगता ही नहीं कि ये टेलीविजन स्क्रीन है या फिर ये कोई वेब सीरीज़ या मूवी हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है रियलिटी में सब कुछ सामने हो रहा है। ऐसे बहुत कम कलाकार हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो अपनी एक्टिंग से लोगों को चौंका देते हैं या फिर ये कहिए कि वाहवाही करने के लिए मजबूर कर देते हैं। मनोज वाजपेयी ने एक फिल्म की है एक ही बंदा काफ़ी है, उसकी बड़ी तारीफ हो रही है चारों तरफ, हालांकि मुझे अभी मौका नहीं मिला है देखने का। उस फिल्म के प्रमोशन के लिए कई इंटरव्यूज़ उन्होंने दिए हैं, जगह जगह प्रमोशन करने के लिए वो पहुँच भी रहे हैं, हालाँकि पहले से काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही है उनके किरदार की, उनकी एक्टिंग की, और लोग इस पिक्चर की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इसी दौरान चूँकि एक ट्रेंड आपने देखा होगा, जब एक्टिंग की दुनिया में अभिनेता अभिनेत्री कदम रखते हैं तो वहाँ एक्टिंग के साथ साथ फिर भविष्य में तलाशने लगते हैं वो और मौके भी, जैसे जैसे वक्त बढ़ता है। और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो कि पॉलिटिशियन बन जाते हैं, वो राजनीति में उतर जाते हैं, और ऐसे कई सफल नेता आप देख भी रहे होंगे, उसमें बहुत से नाम ऐसे हैं जो जाने माने राजनेता हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए, राज बब्बर हो गए, हेमा मालिनी हो गई, और सनी देओल हो गए, ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जो राजनीति में सक्रिय तौर पर हैं। लेकिन इस बीच मनोज वाजपेयी से जब एक मीडियाकर्मी ने पूछ लिया कि क्या आप पॉलिटिक्स में जाएंगे, मनोज वाजपेयी ने साफ मना कर दिया और ये कहा कि देखिए मैं ये बिल्कुल साफ शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि मैं राजनीति में कतई नहीं जाने वाला, ये 100 नहीं बल्कि इसे 200% आप सच मानिएगा। और मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी कभी भी ये सवाल मुझसे ना किया जाए, क्योंकि बहुत बार ये सवाल मुझसे हुआ है और बहुत बार इस सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। मनोज वाजपेयी के इस अंदाज से समझ में आता है कि उन्हें राजनीति कतई पसंद नहीं है और वो पॉलिटिशियन तो कतई नहीं बनना चाहते। हाँ, एक्टिंग में एक से एक चैलेंजेस उन्होंने लिए हैं और अपने आप को, अपनी एक्टिंग को साबित भी किया है, इसीलिए उनके फैंस की जो संख्या है वो करोड़ों में है, और एक अलग तरह की कैटेगरी है उनके फैंस की जो बड़ा सीरियस उनके इस प्रोफेशन को लेते हैं और बड़ा सम्मान उनकी एक्टिंग का करते हैं, जिनमें से एक मैं भी हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि मैं उनकी एक्टिंग की, उनके प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़्यादा तारीफ करती हूँ और बहुत ज़्यादा सम्मान भी करती हूँ। लेकिन मनोज वाजपेयी मुझे लगता है कि राजनीति की गहराई भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कि राजनीति में जब अगर आप जाते हैं कई बार आत्मसम्मान साइड में रख देना पड़ता है या फिर कई बार उसूलों के खिलाफ भी जाकर फैसले करने पड़ते हैं। राजनीति जहां अपार संभावनाएं होती हैं, कभी भी कोई भी फैसला होता है, कभी भी किसी के साथ भी गठबंधन कर लेना होता है, किसी से भी गठबंधन तोड़ देना होता है, इस उलझन से मनोज वाजपेयी खुद को दूर ही रखना चाहते हैं मुझे ऐसा लगता है। मनोज वाजपेयी ने एग्जैक्टली कहा क्या था ये आप खुद ही सुनिए। चर्चा है कि लोकसभा चुनाव भी आप बेतिया से लड़ेंगे 2024। ये चर्चा होती है। आपकी क्या इच्छा है? 30 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में, हर बार जो विधानसभा या लोकसभा के चुनाव जब आने वाले होते हैं इस तरह की बातें होती है। मैं आज भी वहीं पे हूँ, आप भी यहीं पे हैं, यही बात आप कर रहे हैं उसका जवाब वही जवाब नीचे से दिया जाए। राजनीति में मैं कभी नहीं आऊंगा, ये 100% नहीं 200% मान नहीं हुआ। इसके बाद कभी कृपया करके इस मुद्दे से बात,